नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए क्रिकेटर के बारे में जो इंडियन वुमेन्स टीम में शामिल हुए हैं। ये है ऋचा घोष, जो सिलीगुड़ी के शहर से बिलोंग करती है। ये हिमालयस के फुटहिल्स में स्थित एक छोटा सा शहर है। 2019 में हुई वुमेन्स चैलेंजर ट्रॉफी में ऋचा ने अपना टैलेंट दिखाया और इसे उनको इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट किया गया। अब वो ऑस्ट्रेलियन टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाली है और हरमनप्रीत कौर के अंडर 15 मेंबर स्क्वाड का पार्ट है। ऋचा ने बताया कि वो बहुत खुश है इस अपॉर्चुनिटी के लिए और वो अपनी बैटिंग स्किल्स से टीम की मदद करना चाहती है। इसे पहले वो कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में लोकल टूर्नामेंट में खेल रही थी जब उन्हें इस बारे में पता चला। ऋचा को क्रिकेट खेलने का शौक उनके पिता मानबेंद्रा घोष से आया था, जो खुद क्लब लेवल क्रिकेट खेलते थे और बाद में अंपायरिंग में शिफ्ट हो गए। उन्होंने ऋचा को बहुत छोटी उम्र में हाई क्रिकेट ग्राउंड्स पार ले जाकर उनके इंटरेस्ट को सोर्ट किया था। और जब ऋचा में टैलेंट दिखने लगा तो उन्होंने कोलकाता के एक कोचिंग कैंप में जॉइन करवाया। मानबेंद्रा के लिए इस सब में स्ट्रगल था क्योंकि उनके पास 2 बेटियां थी और एक बेडरिडन मदर भी थी, इसलिए उन्होंने 2016 में अपने बिजनेस को छोड़ दिया था और ऋचा की क्रिकेट की बेटर केयर के लिए टाइम निकाला। वो सिलीगुड़ी में बेस्ट द, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की देखभाल के लिए कोलकाता में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए जो भी टाइम था उससे दिया। जब मेन बाहर जाता था तो मेन अपना बिजनेस कैसे चालू रखता। कोलकाता तक जाना 12 से 13 घंटे का सफर होता है। अगर वो कोलकाता में कोई टूर्नामेंट खेल रही है तो मेन अपने सामान जल्दी जमा करके वहाँ पहुँच जाता था। वो एक छोटी सी लड़की है, हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। ऋचा के करियर का सफर शुरू हुआ था जब वो 11 साल की थी और U19 बंगाल टीम में सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद वो U23 साइड और सीनियर टीम में भी खेल चुकी है और 2018 में बंगाल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बनी थी। इंडियन वुमेन्स टीम की स्क्वाड में हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, जेमी माह रोड्रिज, हरलीन दियोल, दीप्ति शर्मा, बेदा कृष्णमूर्ति, ऋचा घोष, तानिया भतिया, पूनम यादव, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड, शिखा पांडे, पूजा वास्त्रकार और अरुंधति रेड्डी है। इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए एक नई उम्मीद है ऋचा घोष के रूप में। हम सब उनके साथ है और उन्हें बेस्ट विशेस देते हैं। वायु 16 के उम्र से हाई भारत के लिए खेल रही है। ऋचा घोष, जो कि 28 सितंबर 2003 को पैदा हुई थी, WO एक इंडियन क्रिकेटर है। उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हाई की थी। जनवरी 2020 में जब ऋचा 16 साल की थी, तब उन्हें भारत की टीम में शामिल होने का मौका मिला था। उनका पहला टूर्नामेंट था 2020 ICC वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। उसके बाद हाई उन्हें भारत की टीम में बुला लिया गया था 2020 ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ट्राइनेशन सीरीज के लिए। क्या आप जानते हैं कि किस तारीख को ऋचा घोष ने अपनी WT20I डेब्यू किया था? जी हाँ, 12 फरवरी 2020 को ऋचा घोष ने अपनी WT20I डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये भी, क्या आप जानते हैं कि उन्हें मई 2021 में एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया था, वो भी पहली बार। ऋचा घोष की क्रिकेटिंग जर्नी इतनी छोटी उम्र में बहुत इंस्पिरेशनल है। उनके लिए क्रिकेट एक पैशन है और उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से आज वो भारत की टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन गई है। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस के मुताबिक ऋचा घोष की नेट वर्थ लगभग $300 के डॉलर्स है, जो इंडियन करेंसी में 3 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ BCCI मैच फीस के अलावा ऋचा घोष वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीग्स में भी खेलती है। इसे उनकी इनकम का एक अच्छा सोर्स बनता है। लेकिन क्रिकेट के अलावा ऋचा घोष का सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे वो डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी कमाती है।
और अब तक वो कई ब्रांड्स के लिए टीवी कमर्शियल्स भी कर चुकी है। अगर आप भी ऋचा घोष के फैंस हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको उनके बारे में क्या लगता है। और ऐसे हाई इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।